गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक है गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। प्यारी प्यारी सात संगत जी, इस संसार में जब भी वली पीर पैगंबर संत महात्मा संसार में आते हैं तो सारा संसार उनकी पूजा करता है, उनकी मूर्तियों की पूजा करता है, मंदिरों में मूर्तियां बिठाता है और अपने घरों में उनकी फोटो दीवारों पे हम टांग देते हैं, हार फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करते हैं। तो प्यारी सात संगत जी, वली पीर पैगंबर जब भी धरती पे आते हैं तो वो एक संदेश देते हैं, सत्य का पैगाम, परमपिता परमात्मा के साथ हमें जोड़ते हैं और हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? गुरु पीर को तो मानते हैं, बहुत मानते हैं, उनकी फोटो की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। और जब तक हम गुरु पीर पैगंबरों की बात को मानते नहीं हैं, तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। तो आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि गुरु वली पीर पैगंबर के नाम से इंसानों को बांटा जा रहा है। कोई भी पीर पैगंबर संसार में आए तो उन्होंने एक ही संदेश दिया मानवता का, एक ईश्वर का, कि सबका मालिक एक है, एक ही निरंकार है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंसान को इंसान से बांटा गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना दिया गया और जात मजहब की दीवार खड़ी हो गई। तो जब महात्मा आते हैं, वली पीर पैगंबर दुनिया में आते हैं तो सबको, सारी मानवता को एक परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं? हम उनके नाम पे नया धर्म बना देते हैं। गुरु पीरों को मान रहे सब, गुरु पीरों की माने ना, को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना, उनको मानने वाले केवल गुण ही इसके गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं, उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी ये कैसा सत्कार हुआ, किस प्रकार की पूजा है ये और ये कैसा प्यार हुआ। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कई हरदेव जना माने तो भक्ति सदा अधूरी है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 133 में यही बात समझा रहे हैं कि हम गुरु पीरों को तो मान रहे हैं, गुरु पीरों को मान रहे सब, गुरु पीरों की माने ना, कि हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम गुरु पीर पैगंबरों की बात को नहीं मानते हैं। को और की में जो अंतर है ये कोई भी नहीं जानता है। उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। और उनकी बात क्या है? ये परमात्मा परमेश्वर। जब भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर आते हैं तो सबको एक परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और यही बात बताते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है, एक ही परमात्मा है। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं, पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं, कि जो उनको मानते हैं तो केवल उनके गुण ही गाते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो गुण गाने से कुछ भी नहीं होता है जब तक हम उनकी बातों को जीवन में नहीं ढालेंगे। हम उन पूजा घर में गए, मंदिरों में गए और माथा टेक के आ गए, लेकिन हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जो बताया, जो प्रेम का पाठ पढ़ाया, तो अगर हम मानवता से प्रेम नहीं कर रहे हैं, सभी का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसी पूजा है? उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं,
कि जो उनको मानते हैं, तो सच्चा मानना तभी होगा जब उनकी हम शिक्षा को धारण करेंगे, उनकी बताई हुई बातों पे चलेंगे, तब जाकर सही मायने में हम उनको मानने वाले होंगे, उनके फॉलोवर होंगे। अगर हम केवल उनकी फोटो तक, मूर्ति तक ही सीमित हैं, केवल उनको ही मान रहे हैं और उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम सच्चे फॉलोवर नहीं है। राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। सच्चे फॉलोवर जो होते हैं तो उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार लेते हैं, एक्शन कर्म इंप्लीमेंट में लेके आते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सारे संसार को अपने कर्मों के द्वारा सच्चाई का संदेश देते हैं। उनको माना बात न मानी, ये कैसा सत्कार हुआ, किस प्रकार की पूजा है वे, और ये कैसा प्यार हुआ कि उनको अगर हम मान रहे हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये कैसा प्यार और सत्कार है हमारा, किस प्रकार की पूजा है ये और ये कैसा प्यार है। तो ये प्यार नहीं है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो प्यार नहीं है। प्यार तो तब होगा जब उनकी बात को माने, जैसा गुरु पीर पैगंबर आदेश उपदेश देते हैं तो वैसा हम चलें, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कई हरदेव जो ना माने तो भक्ति सदा अधूरी है। कि सही मायने में भक्ति पूरी तब होगी जब हम गुरु पीर पैगंबरों की बात को मान लेंगे, जीवन में ढाल लेंगे। जैसा गुरु पीर पैगंबर बताते हैं, सिखाते हैं, जो पाठ पढ़ाते हैं, उसे हम अपना लें, अपने कर्म में लेकर आ जाएं, तब जाकर हमारी भक्ति पूरी होती है। फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी अंत में फैसला दे रहे हैं, कहे हरदेव जो ना माने तो भक्ति सदा अधूरी है। कि अगर हम केवल उनको ही मानते हैं, उनकी फोटो की पूजा कर रहे हैं, फोटो के ऊपर हार फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, केवल माथा ही टेक रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो भक्ति हमेशा अधूरी रहती है। भक्ति पूरी तब होती है जब हम गुरु पीर पैगंबरों की बातों को अपने कर्मों में उतार लेते हैं, जैसा वो आदेश उपदेश देते हैं वैसा हम करने लगते हैं। तो आइए प्यारी सात संगत जी, जितने भी संत महात्मा बलि पीर पैगंबर इस संसार में आए, सबने परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर एक ही पैगाम दिया, विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। बस एक अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। एक ही नारा था कि सारे संसार में भाईचारा हो जाए सबका, एक ही नारा। जितने भी चाहे ईसा मसीह जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, महावीर जैन आए, नानक देव जी आए, मोहम्मद साहब आए, बाबा बूटा सिंह जी महाराज, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सविंदर जी और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी, एक ही बात बता रही हैं कि सारे संसार में भाईचारा हो जाए। बस एक अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। तो संसार तब बसेगा जब हम गुरु पीर पैगंबरों की बातों को मानेंगे, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, तब जाकर हमारी भक्ति पूरी होगी। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।